नाज़ीन, अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं वी कैप्चर न्यूज़ चैनल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपने मुझे वक्त दिया और इस मौके के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर साहब का इस अब, अग, कंट्रोल रूम और पुलिस स्टेशन मेंटेनेंस के और अब, सवाल का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि सईदाबाद फलक नुमा संतोष नगर शाली बंडा चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन ओल्ड सिटी नामपल्ली आसिफ नगर कुलसुमपुरा ये तमाम जगह नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं एट्टी परसेंट काम हो गया सिर्फ ट्वेंटी परसेंट काम की वजह से ये पुलिस स्टेशन रुके हुए हैं मैं आपके जरिए उनसे गुजारिश करूंगा कि हुकूमत से बोलकर कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलकर फंड रिलीज कराकर इमीडिएटली ये काम कराए सैदाबाद पुलिस स्टेशन कंस्ट्रक्शन होने की वजह से रेसिडेंशल एरिया कम्युनिटी हॉल के अंदर पुलिस स्टेशन शिफ्ट करे पूरे एरिया के लोगों को उससे तकलीफ हो रही तो मैं इसका फायदा उठा दिया आपके जरिए हुकूमत से होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि सिर्फ ट्वेंटी परसेंट काम बाकी है स्पीकर साहब वो जल्द से जल्द फंड रिलीज वो पुलिस स्टेशनों का काम मुकम्मल कराए ताकि हम जल्द से जल्द उसका इनग्रेशन रख सके मिनिस्टर अध्यक्ष बलाला साहब ने जो कहा अध्यक्ष हमारे आने सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद काफी पुलिस स्टेशनों को जो है मॉडर्नाइज किया अध्यक्ष और हैदराबाद में भी नए पुलिस स्टेशन भी बन रहे हैं अध्यक्ष ये जो सहीदाबाद चांदमेर याकूतपुरा और दिगर पुलिस स्टेशन में सेवेंटी एटी परसेंट आप जैसा काम बोले हैं हो गया है ये कोरोना की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो रहा अध्यक्ष पर बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा अध्यक्ष वी कैप्चर न्यूज